छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण के अटके बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने यह बात कही। दरअसल तेलंगाना सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्यपाल को किसी भी बिल पर साइन करने या लौटाने का फैसला शीघ्र करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और यही हम लोग चाहते हैं। अब राज्यपाल जी कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लें और हस्ताक्षर करके हमको दे दें ताकि हम बच्चों के एडमिशन, अभी नीट के एग्जाम होंगे उसमें आरक्षण लगेगा, अभी बहुत सारी भर्तियां हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, थाना खोल रहे हैं, तो सब में भर्तियां लगेगी, तो भर्तियां करेंगे तो बिना आरक्षण के संभव नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ, नई पीढ़ी के साथ ये गंभीर मैं कह सकता हूँ ये अपराध है और इसको तत्काल इसको किया जाना चाहिए। बिल्कुल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सबको भत्ता पूरा भत्ता अभियान की शुरुआत की है। योजना से प्रभावित बेरोजगारों के साथ मिलकर हर जिले में रोजगार कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़ और सारंगगढ़ जिला रोजगार कार्यालय के घेराव से हुई। छत्तीसगढ़ की जनता से और युवाओं से वादा किया था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4.5 साल तक उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, अब 4 महीने बचा है टोटल। उसमें भी जो फॉर्म भर रहे हैं उन फॉर्म में इतनी कठिनाई है, इतनी कंडिकाएं हैं कि 51,000 फॉर्म भरे और 1700 लोग ही उसमें शामिल हुए या उनकी पात्रता बनी। छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार युवक हैं, जो 12वीं पास हैं, उनको 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर रही है। इसके बाद इस तरह का जो नाटक करना और जो ये योजना का जो प्रारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अदूरदर्शिता को दर्शाता है और ये भी बात दर्शाता है कि सत्ता में ये एन केन प्रकारण किसी भी प्रकार से आना चाहते हैं। बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता के लिए बनाए गए कड़े नियमों का विरोध किया। हम लोग आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, सारंगगढ़ और कोरबा की, यानी बेरोजगारी भत्ता को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी नेता वीडी शर्मा भी प्रचार के लिए बेंगलुरु पहुंचे। कहा कि बीजेपी ने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया, पीएफआई खत्म हो रही है, देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद समाप्त हो चुका है। कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या यहाँ के डीके शिव कुमार हो, पीएफआई को समर्थन दे करके आतंकवाद का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कई विभागों में कई पदाधिकारियों के पद खाली पड़े जिससे पार्टी का काम प्रभावित हो रहा है। अब इसे निजात पाने के लिए कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल के आधिकारिक फेसबुक पेज पर पदाधिकारियों की भर्ती के लिए बम्पर ऑफर निकाला गया है। कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग अब जनता का सोशल मीडिया विभाग बन चुका है। लगातार कमलनाथ जी की नीतियां जो आप देख रहे हैं, लगातार 44 वर्षों से उन्होंने देश और प्रदेश को प्रगति पे लाए हैं, उससे उत्साहित होकर आज आम जन अब लगातार ये जो शिवराज सिंह चौहान जी की 18 साल की एक कुशासन वाली सरकार थी इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर विरोध कर रही है। कांग्रेस का जो सोशल मीडिया सेल है या जो मीडिया सेल है वो स्वयं कमलनाथ जी को फॉलो नहीं करता, ट्वीट नहीं करता, रीट्वीट नहीं करता और कोई भी पासिंग अंक नहीं लेकर आ पाया था। जिस प्रतिस्पर्धा आप कमलनाथ जी चला रहे हैं कि उनकी फोटो को सबसे ज़्यादा कौन वायरल करेगा, कौन रीपोस्ट करेगा, मुझे लगता है कि हवाई कांग्रेस हमेशा ट्विटर से ही शुरू होगी और कमलनाथ जी के ड्रॉइंग रूम में समाप्त हो जाएगी। अंबिकापुर में दरिमा में मां महामाया एयरपोर्ट स्थित है लेकिन ट्रायल लैंडिंग की तारीख 3 बार पोस्टपोन हो चुकी है। कभी टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाता है तो कभी रनवे की लंबाई और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी और श्रेय लेने की होड़ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में देखी जा रही है। 70 सीटर जहाज उड़ाने के लिए, इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 43 करोड़ रुपया शुरू में दिया था उसको बढ़ा करके 90 करोड़ रुपया दिया। देख रेख का काम राज्य सरकार का है, राज्य सरकार उसको भी समय पे कर पाने में असफल है और समय पे हमको वो हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं हो पाया।
जमीन उपलब्ध कराने से लेके निर्माण कार्य से लेके और कितनी जल्दी हवाई सेवा शुरू हो सरगुजा में, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है और प्रयासरत है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की ओर से आचार्य शंकर प्राकृतोत्सव एकात्म पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने की। उपस्थिति हमेशा ही हमारा संबल बनती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जिनके कारण ये संस्कृति बची, और आज मैं कह रहा हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने लघु फिल्म में भी कहा था, आज सभी संतों के बीच में फिर दोहरा रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के दिग्दर्शन अगर कराएगी तो भारतीय संस्कृति ये अद्वैत वेदांत ही कराएगा, और कोई मार्ग है ही। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। भेंट मुलाकात में बीजेपी पार्षदों और आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करें। बृजमोहन का यह कहना है, बीजेपी पार्षदों को भेंट मुलाकात में जाने से रोका जाता है। बृजमोहन प्रशासन के निर्देश पर पुलिस बल स्थल पर जाने से रोकते हैं। पत्र में समस्याओं से निराकरण की उन्होंने मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक विस्तारकों का प्रशिक्षण शिविर रायपुर के पाटीदार भवन में आयोजित किया गया। भाजपा ने आगामी चुनाव को देखते हुए 90 पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की। शिविर में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, अजय जामवाल शामिल हुए। इस बैठक के बारे में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 90 विधानसभा के लिए जो पूर्णकालिक विस्तारक बनाए गए हैं, सभी विधानसभा चुनाव तक वही रहकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने पूरे काम संगठन के माध्यम से करती है, और एक भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है कि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर और संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें, और इसके लिए 90 विधानसभाओं के लिए विस्तारक तय होकर उनको प्रशिक्षित किया गया है और उनको बताया गया है कि उनको आने वाले चुनाव तक क्या क्या काम करने हैं, किस प्रकार से काम करने हैं। सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत इन दिनों जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू पर सटीक साबित हो रही है। दरअसल मेयर ने परशुराम जयंती पर रानीताल चौक पर का नाम परशुराम चौक करने की घोषणा की, जिसका गौड़ आदिवासी विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि रानीताल चौक का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया था। रानी दुर्गावती ने इस क्षेत्र में एक तालाब का निर्माण करवाया था, इसका नाम रानीताल है, और उसी आधार पर इस चौक का नाम भी रानीताल रखा गया था। रानीताल चौक का नाम यथावत रानीताल चौक ही रहेगा। भगवान परशुराम के नाम से जहां हमको ब्राह्मण संगठन हमको जो कहें निर्देशित करेंगे, वो एक चौक बेहतरीन भगवान परशुराम के नाम से निश्चित तौर पे बनाया जाएगा। किसी भी बात की घोषणा करने के पहले उसमें इस बात के संज्ञान में ले लेना चाहिए कि हम गलत हैं कि सही हैं, और आज निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज और गोंडवाना समाज के बीच में जो बातें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं जाके अब ख़त्म होगी। वीरांगना हमारी रानी दुर्गावती जी के स्थान पर भगवान परशुराम जी का स्टोचू लगाने के लिए जो बोला है उसके खिलाफ में हम आए हैं महापौर जी से मिलने के लिए। तक चौक की बात है, चौराहे की बात है, तो उस चौराहे को अगर भगवान परशुराम का नाम दिया जाता है तो यह संपूर्ण संस्कार रानी के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी।
कटनी में स्वास्थ्य मंत्री का फर्जी लेटर पेड और फर्जी बिल दिखाकर टेंडर के नाम पर 1,39,00,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि एवी वेरियर्स सर्विसेज फर्म के अर्जित वर्मा ने फर्जी दस्तावेज दिखाए और झांसा देकर पीड़ित रूपेश सर्वगी से 20,00,000, सिद्धार्थ खर्च से 30,00,000, सत्यम शर्मा से 15, अरुण कुशवाहा से 15,00,000 और आदित्य गगराड़े से 24,00,000 ले ली गई। इतना ही नहीं, काम न होने पर पैसे भी नहीं लौटाए। जल एजेंसी जलाने के नाम पे हमसे पैसे लिए हैं, उसमें एक उन्हें वर्तमान के माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी का भी एक हस्ताक्षर सुधा पेपर दिया है। अब ये जांच का विषय है कि वो असली है या नकली है, तो उसको जांच पे हमने रखा है। जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को 2 हफ्ते में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अनियंत्रित ध्वनि प्रदूषण के मामले में कलेक्टर और एसपी रायपुर के खिलाफ एक और अवमानना याचिका दायर की गई। जस्टिस पी सैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सूरजपुर के रामानुजगंज नगर थाना के 2 पुलिसकर्मियों पर चोरी के मामले में समझौता करने को लेकर 40,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपने घर में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वो लड़का जब चोर करके भगा तो लड़का बुलाया, देखा वहाँ पे अगल बगल में थे, रात में 10-10:30 बजे, तो हल्ला किया तो पकड़ाया। तो फिर एक बार उसका पिताजी आए, उसका जीजा आया, वो बोले कि यार गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा, माफ़ कर दो, मतलब जो भी आता है तेरा जो चोरी किया उसको देगा। तो उस मामले में वो दिया मेरे को जिसका उतना मतलब जो होता है मेरा। इसके बाद पुलिस वाले से ये किए कि समझौता हो जाओ, तो इसके बाद मतलब उसका लेन देन क्या है कैसा है, तो मतलब दो में बात ये 20,000 मेरे से लिए, 20,000 के लिए। उस पर जो आपके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, इस जानकारी के माध्यम से उस पर तस्दीक किया जाएगा। तस्दीक के बाद फिर जो भी जानकारी प्राप्त होगा उसके हिसाब से फिर कार्रवाई किया जाएगा। बगीचा के जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का मामले पर हंगामा शांत हुआ। आईजी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। बिहारी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गेंद बिहारी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गेंद बिहारी का अपमान नहीं है बल्कि गहरा गुरु महाराज के लाखों शिष्यों का अपमान है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान है। जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और जो दोषी एसडीओपी है उसके ऊपर भी विभागीय जांच होगा। उनके साथ जो मारपीट की घटना घटी, जो गुंडे तत्व के जो पुलिस वाले थे उन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार किया। डीआईजी और एसपी साहब के आश्वासन पे विश्वास करते हुए उस गुंडा डीएसपी पे भी कार्रवाई होगी और अगर नहीं होती है तो हम लोग इसके आगे की रणनीति बनाएंगे। राजधानी रायपुर में जिलों ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइट, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी का काम दिलाने के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चार करोड़ 40,00,000 की ठगी हुई है और उसमें हम लोगों ने सोलर एलईडी हर जिले में लगाने का 2.5 करोड़ का प्रस्ताव है करके उसने बोला था। उसके हिसाब से उसने 10% अग्रिम मांगा था और 30% कमीशन बाद में देना पड़ेगा करके, तो उस 10% अग्रिम में ही 4,39,00,000 विभिन्न जिलों के नाम से हम लोगों ने दिया था। लगभग 4,39,00,000 रुपए अलग अलग समय पर अलग अलग किस्तों में ले इनसे एडवांस के तौर पर ले लिया था और जब ये उससे बोलने लगे कि भाई तुमने जो पैसा लिया है वो उसके एवज में हम लोगों को भी काम नहीं मिला, तो ये उसे अलग अलग बहाना बताकर घुमा रहा था। तो उनकी रिपोर्ट पर जो है यहाँ पर धारा 420 का मामला दर्ज करके इसमें शैलेंद्र बगर की गिरफ्तारी करके उन्हें 3 दिन की न्यायिक रिमांड पुलिस रिमांड पर लिया गया। बेमेतरा के नगर पालिका क्षेत्र से सब्जी मंडी को सिंगौरी वार्ड में बसाया गया, जहां 30,00,000 की लागत से सब्जी लगाने चबूतरों का भी निर्माण किया गया, मगर आज तक वहां कोई सब्जी दुकान नहीं लगी।
यहाँ पे व्यवस्थित करने का जरूरत है नगर पालिका को, और यहाँ पानी बिजली रात में कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ बाहर से जो व्यापारी आते हैं उसको बहुत तकलीफ है। यहाँ मंडी भैया बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं, गाड़ी घोड़ा रखे व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कर पाते। अब यहाँ पाकिट मार हर चीज़ आए दिन तकलीफ रहते पूरा आदमी ने। रही बात दूसरी, जो बाजार व्यवस्थित करने की बात है तो उसको अविलंब व्यवस्थित किया जाएगा, उसके लिए हमारी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि हम लोग नंबरिंग के साथ कर रहे हैं ताकि अव्यवस्थित ना हो और जो भी हो एक बार व्यवस्थित रूप से बने। सत्ता के अधिकारियों के विकेंद्रीयकरण और जिला स्तर पर विकास योजनाओं की मंजूरी के लिए बनी जिला योजना समिति की अवधारणा जबलपुर में दम तोड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जबलपुर में बीते 3 सालों से जिला योजना समिति की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि देश के हर जिले में जिला योजना समिति का गठन होगा, जिसमें पंचायतों, नगरीय निकायों और विधानसभा के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। प्रावधान है कि जिला योजना समिति जिले की विकास योजनाओं को स्थानीय स्तर पर तय करेगी और उन्हें मंजूरी भी दे सकेगी। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि 3 साल पहले मार्च 2020 में प्रदेश की सत्ता बदलने के बाद देर सवेर जिले के प्रभारी मंत्री तो नियुक्त कर दिए गए, लेकिन कई जिलों में जिला योजना समिति की बैठकें ही आयोजित नहीं की गई। बात जबलपुर की करें तो PWD मंत्री गोपाल भार्गव को जबलपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने बीते 3 सालों से जिला योजना समिति की एक भी बैठक नहीं ली है। ऐसे में विकास कार्यों की फाइलें अधिकारियों के ऑफिस ऑफिस घूम रही है और जनता के साथ जनप्रतिनिधि परेशान है। चूंकि जबलपुर जिले से शिवराज कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं, इसलिए कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। नए नए प्रस्ताव स्वीकृत ना हो जिससे मध्य सरकार को विकास के कामों में पैसा खर्च ना करना पड़े, सबसे बड़ी मंशा जो है सरकार की मंशा में ही खोट है। जबलपुर में जो भी अराजकता का माहौल है मध्य प्रदेश में, उसका कारण है जिला योजना समिति की बैठक ना हो। अगर जिला योजना समिति की बैठक होती तो अधिकारियों के सामने जनप्रतिनिधि अपनी बात रखता है। जब IBC24 ने सवाल किया तो प्रभारी मंत्री भार्गव ने समिति की बैठक अब जल्द आयोजित करने की बात कही। कोई भी मुद्दे जो भी सुझाव होंगे लोगों के, उनके आधार पर हम जल्दी जल्दी बैठक करेंगे और आपको सूचना देंगे। ये बात सच है कि इस बार पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में देर होने से जिला योजना समिति में उनके सदस्यों के चुनाव में भी देर हो गई, लेकिन फिर भी पंचायत और निकाय चुनाव हुए करीब 10 महीने का अरसा होने जा रहा है और अब भी जिला योजना समिति की बैठक ना होना बड़ी लापरवाही या अनदेखी को दिखाता है। विजेंद्र पांडे, IBC24, जबलपुर। रायपुर समेत प्रदेश भर में साइबर ठग यूट्यूब के जरिए ठगी कर रहे हैं। पहला मामला उरकुरा निवासी राजन कुमार मिश्रा के साथ अंजाम दिया गया, जिसमें ठगों ने यूट्यूब चैनल के जरिए लाइक सब्सक्राइब करने का लिए कहा, 1 मिनट में टास्क पूरा करने को कहा और करीब 70 लाख रुपए ठग लिए। की साक्षी नाम से कोई बात कर रही जो HCL टेक्नोलॉजी से है, और वो उसने मुझे काम के बारे में बताया कि हम इस तरह से के काम करते हैं YouTube चैनल का, जो घर बैठे काम है इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो मैंने भी 4 ट्रांजेक्शन किए, उसके बाद मुझे कहा गया कि टैक्स के बतौर 1,89,000 रुपये भरने हैं। उस हिसाब से मेरी इनकम लगभग 6.5 लाख रुपये होनी चाहिए थी, तब जाके 1,89,000 का टैक्स बैठता। तो उन्होंने कोई सटीक जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा कि ये कहीं मुझसे गलती हुई है। सबसे पहले प्रार्थी को झांसा दिया जाता है कि उसे उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसमें पीड़ित व्यक्ति ने लगभग 70 लाख रुपए उनकी बातों पे आकर उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। उसमें धारा 420 का मामला दर्ज भी किया गया है। इसलिए राजस्थान से ये साइबर फ्रॉड गिरोह ऑपरेट हो रहा है। रायगढ़ नगर निगम ने गर्मी पूर्व पेयजल व्यवस्था को लेकर तैयारियां नहीं की और अब वार्डों में जल संकट होने पर पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी किया जा रहा है। पाइप ब्लैक वाला जो लगाया है केंद्र का, अमृत मिशन वाला, वहाँ उसमें पानी नहीं आ रहा है। हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है, यहाँ तक कि ऐसा है कि किसी के यहाँ निजी बोर है तो उसका सहारा लेना पड़ रहा है। अमृत मिशन मेरे को लगता है कि ये एक हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। अमृत मिशन योजना का काम बिना पूर्ण हुए उसका लोकार्पण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम दिखाने के लिए। हम 12 से 13 वार्डों में गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है और ये संकट नगर निगम ने कृत्रिम संकट उत्पन्न किया है। जन प्रतिनिधि है नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वहाँ पानी समस्या का जो है उसका समाधान करने के लिए टैंकर के माध्यम से या बोर के जो है बंद कर दिए थे, उस बोर को भी रिपेयरिंग करके चालू कराई जा रही है।
दतिया कलेक्टर संजय कुमार की जनसुनवाई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रचना आदिवासी नाम की एक महिला ने गुहार लगाई कि उसका पति उदयपाल अनुविभाग में शिक्षा विभाग में चपरासी है। उदय ने मनमुटाव के चलते उससे रिश्ता तोड़ लिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू 27 अप्रैल से होंगे। करीब 3.5 साल बाद पीएससी राज्य सेवा परीक्षा के साक्षात्कार इंटरव्यू आयोजित कर रहा है। राज्य सेवा परीक्षा 2020 के साक्षात्कार की प्रक्रिया 27 अप्रैल से 19 मई के बीच चलने वाली है, जिसमें मुख्य भाग और प्रावधिक भाग के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से बाहर घोषित हुए हैं उनके इंटरव्यू किए जाने हैं, साक्षात्कार किए जाने हैं। और प्रतिदिन लगभग 4 बोर्ड हमारे चलेंगे। हर बोर्ड में 16-17 कैंडिडेट होते हुए लगभग 60-70 कैंडिडेट एक दिन में इंटरव्यू हो सकेंगे। मिलाई पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण को सुनने शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। स्टील सिटी धर्मनगरी में तब्दील हो गई। आयोजकों ने यहां जितने भी पंडाल लगाए थे वो सुबह ही भर गए। उसके बाद लोग धूप पर लोगों की धूप पड़ रही थी वो भी आस्था पर भारी पड़ी। पेड़ के नीचे सड़क किनारे जिसे जहाँ जगह मिली वो बैठकर कथा सुनने लगे। लोग देखते थे लेकिन आज सोचे एक बार जाके देख के आएंगे, जब भिलाई में आए हैं तो इसीलिए। प्रदीप मिश्रा जैसे महाराज जी हमारे यहाँ पधारे हैं और लोग बाहर से इतना आए हैं देखने, तो हमारा कर्तव्य हमारा फर्ज बनता है कि हमें भी आना चाहिए सबसे आगे और जितना हो सकता है हम लोगों की हेल्प भी करेंगे। शिव भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला है और ऐसा लगता है कि स्टील सिटी ने धर्म नगरी का स्वरूप ले लिया। इतनी प्रचंड धूप है इसके बावजूद लाखों लोग यहां पहुंचे हैं। इसे जहां जगह मिली वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। सैटेलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।